लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। उन्होंने कहा कि हां, मैं लड़की हूं और लड़ भी सकती हूं, मैं वही कर रही हूं। बता दें कि IIT अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रही थी, साथ ही उनके पास छत्तीसगढ़ में मीडिया कोऑर्डिनेटर का भी जिम्मा था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली की जनकपुरी सीट से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह आप उम्मीदवार से हार गई थी। कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफे पर राधिका खेड़ा ने कहा, मैंने हमेशा सुना था कि कांग्रेस राम विरोधी है, सनातन विरोधी है और हिंदू विरोधी है, लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से 3 साल से समय मांग रही हूं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे नहीं मिला। इसी बीच इस पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP नेता रोहन गुप्ता ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तो एक बात कही थी, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम इस देश के नागरिक भी हैं, हम फ्रंट लाइनर हैं, तो यह हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनका ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी, न्याय यात्रा के दौरान तब भी, न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजा राम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई, और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आए, चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाले। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं कब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं तब भी नहीं समझ। देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने कहा है कि मैं राम भक्त हूं और पार्टी कार्यालय में जो गति हुई, मैंने AICC ने इसको परीक्षण जांच करने को कहा। बताओ, बताओ, चुप। मैंने जांच किया और रिपोर्ट मैंने AICC को भेज दिया। रही कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा की बात, कांग्रेस कार्यालय में आज भी आप देखेंगे, चाहे कंट्रोल रूम हो या फिर हमारा वॉर रूम हो, सभी जगह महिला कर्मचारियां आज भी काम कर रहे हैं और वो सुरक्षित है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में आज तक कभी इस तरह हुआ न कभी होगा। हाँ, दोनों के बीच में सुशील आनंद शुक्ला जी और दोनों के बीच में, ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेद थी दोनों के बीच में। लेकिन उस दिन थोड़ी सी कि इसी अरेंजमेंट को लेकर, अपना अधिकार को लेकर कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मुझे करना चाहिए, थोड़ी सी बातों को लेकर बहस हुई, ये सच्चाई है। और मैंने सभी रिपोर्ट AICC को मैंने भेज दिया है। हाँ, लेकिन अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो देश के सभी नागरिक जाते हैं, समय मिलेगा दीपक बेच भी जाएगा, नहीं जा पा रहा हूं तो घर से पूजा कर रहे हैं, तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है।
और बाकी चीजों पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। देखिए, जब मैंने भी पार्टी छोड़ी थी, जो मैंने एक चीज कही थी कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता होने के साथ साथ देश के एक नागरिक भी हैं और सामाजिक तरीके से भी हमारी एक पहुंच है जहां पे जनता के बीच में जाके हमको हमारी बात रखनी पड़ रही है, पार्टी की बात रखनी। वी आर लाइक फ्रंट लाइन वॉरियर्स। उनके लिए मुश्किल होना ही है, क्योंकि कौन से नैरेटिव को आप डिफेंड करेंगे। एक आज देखिए, इतने समय से मैंने भी बोला है जब से पार्टी छोड़ी है कि सनातन के अपमान पर पार्टी क्यों चुप है। मुझे आज तक एक स्टेटमेंट दिखाई है पार्टी का उसको काउंटर करते कि नहीं, हमारे मनसा नहीं। तो ये तो हकीकत है, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये तो हम तो हैं, आपको जो करना करो। यही अहंकार की बात है। जब मैंने ये कहा कि राम मंदिर का जो न्योता है वो क्यों ठुकरा है, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिखाई है पार्टी का, ये तो हकीकत, हम जो करेंगे करेंगे, आपको जो करना है करो। ये अहंकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता आज की डेट में आहत है, मैं आपको एक कहूंगा। और इसीलिए जो एक माहौल होना चाहिए, एक उत्साह जो होना चाहिए प्रचार का, वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब जब कैंपेन करने जाओगे ये दो ही सवाल पूछे जाएंगे, आप जवाब क्या देंगे। आपका सगा भाई भी होगा तो उसको आपको जवाब देना भारी पड़ेगा कि इसका, क्योंकि जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही, कार्यकर्ता दे नहीं सकता है। तो ये चीज जो मैं कह रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करते करते आपकी मुख्य विचारधारा से भटक गए हैं, देश की सिस्टम्स के खिलाफ हो गए हैं, सैन्य के खिलाफ हो गए हैं, और ये सारी चीजें मिलके जब आप साथ में रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जनता का विश्वास प्रतिपादित करने की एक भी आपके अंदर कोई लक्षण है या जनता को ऐसा कोई कॉन्फिडेंस मिले कि आपको वोट दे।